बाना राजस्थान मांगरोल तहसील क्षेत्र के बोहत कस्बे में 40 से अधिक काल बेलिया परिवार निवास करते हैं। पिछले कई परिवार की पीढ़ियों से समाज के लोग हर तरह का फैसले सब बैठकर फरियादी व आरोपी दोनों की बात सुनकर उपस्थित सबकी राय मशवरा लेकर फैसला सुनाते हैं। उक्त फैसला किसी के पक्ष या विपक्ष में रहे सबको मानना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को कोर्ट कचहरी तक नहीं जाने देते हैं। ये लोग खुशी गम को पुरुष महिलाएं मिलकर बांटते हैं। शौकीन काल बेलिया ने बताया कि चाहे समाज में शादी नाता प्रथा लड़ाई झगड़ा कोई सा ही मामला हो, सबकी राय लेकर जो दंड देना फैसला लेते हैं। पिछले कई वर्षों से राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर पेड़ की छाया में बैठकर मीटिंग लेते हुए आए हैं। कालबेलिया समाज के व्यक्ति झुंड में रहते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कस्बे के वार्ड नंबर 4 में इनके मकान एक साथ हैं, लेकिन जैसे इनके परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही लोग पर हिगोनिया तालाब की भूमि पर अतिक्रमण कर टपरियां बनाकर निवास करने लगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरे नाम शौकीन है सर। आप कहाँ बोध के रहने वाले हो? बोध के रहने वालों में चुनाव भी लड़ा सर। जो आज आप इनका समाज है कालबेले समाज, तो आप यहाँ इकट्ठे होते हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई हमें इकट्ठे होते हैं साहब हमारे समाज में, तो हम पंच फैसले करते हैं, कोई शादी का, कोई लेन का, देन का, और धर्म है तो है नहीं हमारे पास, तो हम बैठ के कर लेते हैं भाई किसी की शादी है, लेन है, देन है। कोई बड़ी बात हो जाती है तो पुलिस प्रशासन में भी होती है, पुलिस प्रशासन में होती है तो फिर हमारे समाज में भी होती है, लेकिन होती है हमारे समाज में मीटिंग पहले, तो आप समाज में बाद में मीटिंग बाद में प्रशासन पर जाते हो, अगर आपका फैसला यहाँ नहीं हो पाता फिर प्रशासन में जाते हो, तो प्रशासन भी आई कहते हैं भाई तुम्हारे समाज का कर लो, प्रशासन भी यही कहेगा पक्ष में है तो पक्ष में होना पड़ता है। कितने परिवार होंगे आप बोध में आपके समाज की? हमारे साहब कम से कम 100-200 वोट है ना, 200 वोट माने आप एक परिवार 5 सदस्य मानो तो आप 40 घर तो होंगे सही? हाँ होगा साहब, मेरे साहब चुनाव भी लड़ा, सरपंच का भी गया, आई सी सी क्या बढ़ रही है सर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।